वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वंदना। वंदना के अंदर दिए गए हैं कुछ श्लोक, तो सबसे पहले श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे। सबसे पहले दिया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परः ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। तो यह श्लोक तो आपने बहुत बार सुना होगा, पर शायद इसका मतलब आपको अच्छे से नहीं पता होगा। तो इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ कि गुरु ब्रह्मा का अर्थ होता है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु उसका अर्थ होता है गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर यानी गुरुदेव महादेव शंकर के समान है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म यानी गुरु साक्षात पर ब्रह्म के समान है, तस्मे से गुरुवे नमः ऐसे मेरे गुरुदेव को मेरा नमस्कार हो। ओके, ऐसा इसका अर्थ होता है। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर की पंक्ति, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह पंक्ति का अर्थ होता है वक्रतुंड यानी टेढ़ी, ओके, टेढ़ी मुख वाले, विशाड़काय यानी बड़े शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान, सूर्य कोटि का मतलब होता है करोड़ों सूर्य के समान तेज रखने वाले हे गणपति, मेरे सारे कार्य हमेशा आप विघ्न रहित पूरे करना। ओके, ये होता है ये पंक्ति का अर्थ। आगे देखेंगे, नमस्ते नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्यारंभे करिष्यामि प्रसन्न भव सर्वदा। तो यह पंक्ति का क्या अर्थ होता है कि हे वीणा और पुस्तक धारण करनारी माता देवी शारदा, माता देवी शारदा जिन्होंने पुस्तक और वीणा को धारण किया हुआ है, तो ऐसी माता देवी शारदा आपको नमस्कार हो। मैं विद्या पढ़ने की, मैं विद्या लेने की शुरुआत करता हूँ, आप हमेशा मेरे पे प्रसन्न रहो, प्रसन्ना भव सर्वदा यानी आप हमेशा मेरे ऊपर प्रसन्न रहना। ओके, तो यहाँ पे श्लोक के अर्थ खत्म होते हैं। नीचे दिया है ग्लोसरी यानी उसके हार्ड वर्ड मीनिंग है, वक्रतुंड उसका मतलब होता है कर्व्ड टंग ट्रंक, सूर्य कोटि यानी होता है करोड़ ऑफ सन्स, समप्रभ उसका अर्थ होता है इक्वल स्प्लेंडर्स, कुरु उसका मतलब होता है रिमूव, हियर रिमूव अर्थ होगा, भव उसका मतलब होता है बी, सर्वदा यानी फॉरएवर, और शारदा उसका अर्थ होता है सरस्वती। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर वन चित्र पदानी वन, जिसके अंदर दिए है कुछ पिक्चर और उसके संस्कृत नाम हमें उसको पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले दिया है पिक्चर बैल का, ओके, जिसको संस्कृत में कहते हैं वृषभ। उसके बाद दिया है पिक्चर गधे का जिसको संस्कृत में कहा जाता है गदर्भ। उसके बाद दिया गया पिक्चर भेड़ का जिसको संस्कृत में कहते हैं मेष। उसके बाद पिक्चर दिया गया है नकुल मोर जिसको संस्कृत में कहते हैं मयूर, कौवा जिसको संस्कृत में कहते हैं काक, ताला जिसको कहते हैं ताल, दिया जिसको कहते हैं दीप, घड़ा जिसको कहते हैं घट, साप जिसको कहते हैं सर्प, मगर जिसको कहते हैं मकर, मेंढक जिसको कहते हैं मंडुक। उसके बाद है चित्र पदानी टू जिसके अंदर है एक लड़की का पिक्चर है जिसको संस्कृत में कहते हैं बालिका, एक डेस्क का पिक्चर है, टेबल का पिक्चर है जिसको कहते हैं उत्पीठिका, उत्पीठिका। ओके, उसके बाद ये है वेली का पिक्चर है जिसको संस्कृत में कहते हैं लता, थाली जिसको कहते हैं स्थलिका, चाबी जिसको कहते हैं कुंचिका, साड़ी जिसको कहते हैं साटिका। पेटी जिसको कहते हैं पेटिका, चिड़िया जिसको कहते हैं चटका, नदी जिसको नदी ही कहते हैं, उसके बाद चूल्हा रसोई बनाने का गांव में होता है ऐसा चूल्हा जिसको कहते हैं संस्कृत में चुल्ली, घड़ी
जिसको कहते हैं घटी, फ्लावर पोट फूलदानी, जिसको कहा जाता है पुष्पधानी, रत्न डायमंड का पिक्चर है जिसको कहते हैं रत्नम, छाता जिसे कहते हैं छत्रम, पुष्प जिसको कहते हैं पुष्पम, पेंट जिसको कहते हैं उरुकम, कॉइन जिसको कहते हैं धनम पैसे, बुक पुस्तक जिसको कहते हैं पुस्तकम, लहसुन जिसको कहते हैं लहसुनम, सिलाई मशीन जिसको कहते हैं सीवन यंत्रम, सीवन यंत्रम, विमान जिसको कहते हैं विमानम, बस जिसको कहते हैं लोकयानम, बोर्ड जिसको कहते हैं कृष्ण फलकम, बैलगाड़ी जिसको कहते हैं शटकम। अब देखेंगे चित्रपदानी 4 जिसके अंदर पेंसिल का पिक्चर दिया है जिसको संस्कृत में कहते हैं अंडकनी। भगवत गीता का चित्र है यानी ग्रंथ का पिक्चर है तो संस्कृत में उसे कहेंगे ग्रंथः। माला का पिक्चर है तो उसको संस्कृत में किसी आभूषण का, ज्वेलरी का पिक्चर है जिसको संस्कृत में कहेंगे आभूषणम। टॉर्च का पिक्चर है जिसको कहेंगे करदीपः। चम्मच का पिक्चर है जिसको संस्कृत में कहेंगे चमसः। इसको कहेंगे लवित्रम। डस्टबिन जिसको कहा जाता है संस्कृत में अवकरिका। फाइल जिसको संस्कृत में कहते हैं संचिका। चीटी जिसको कहते हैं पिपलिका। कैलकुलेटर जिसको संस्कृत में कहते हैं गणन यंत्रम। बकेट जिसको संस्कृत में कहा जाता है द्रोणी। स्विच जिसको संस्कृत में कहा जाता है पिग्ज। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 खत्म होता है। आपको क्या करना है, ये सारे चीजों के नाम को अच्छे से लर्न करना है कि किस चीज को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ओके, तो आज के दिन बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।